नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। मैं खड़ा हूँ बाबा विश्वनाथ के धाम वाराणसी में, जहाँ मैदागिन चौराहे पे लगातार हजूम लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैं मोहित टोलने का कैमरा घुमा के दिखाएं किस तरह से यात्रियों का और हजूम लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से लगातार इसमें यात्री देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से किस तरह का मनोबल है इनके बीच में। और सुबह से कतार में लोग खड़े हैं, उनसे बात करके जानते हैं किस बात की समस्याएं हैं और किस कब से और कहां से लोग आए हैं इस बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ और उन्हीं से बात करके जानते हैं किस तरह का मनोबल इनके बीच है और कब से ये लोग कतार में खड़े हैं। तो एक बात बताइए हमें कि कब से आप लोग इस कतार में खड़े हैं? अभी तो 3 घंटा हो गया लाइन में खड़ा हो गए। 3 घंटे लाइन में खड़े हो, कहां से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। कब आए थे आप लोग यहाँ पे? अभी तो आज सुबह पहुँचा है, सुबह 10 बजे निकले थे। सुबह 10 बजे पहुँचे हैं। और कब तक आपको लगता है कि यात्रा हो जाएगी? बोल रहे हैं वो पुलिस वाला से बोल रहे हैं वो 4-5 बजे हो जाएगा। व्यवस्थाएं कैसी हैं? अरे वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या क्या कमी हो गई? अभी तो खड़ा खड़ा कर चल रहे थे, अभी अगर रुक गया पूरा रुक गया है रास्ता, अभी धूप में खड़ा है अभी। महिलाएं की मोहित से बोलूँगा कि बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं पहले? ये बोलने से अच्छा वहाँ से आए। कब आए लोग आप लोग? सुबह आए थे आज? कब से लाइन में खड़े हैं आप लोग? सुबह से लाइन में खड़े हैं आप लोग। और कब तक आप लोग का होगा दर्शन, कुछ पता चला आप लोग को? नहीं, ये तो मालूम नहीं हमको, तब खत्म होगा फिर भी कोशिश रखते हैं। हमको तो मालूम नहीं यहाँ से मंदिर कितने दूर है, हम पहली बार आया है। देखते हैं भगवान जी का दर्शन मिलता है या नहीं मिलता है, वो भगवान का कृपा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत दूर से आया हम लोग, ट्रेन पकड़ गया या ट्रेन में बहुत दिक्कत है, सीट भी हमको बहुत हैरान करता है, यानी उतर देता है, खिड़की लगा देता है, खोलता नहीं है, टिकटी बहुत हैरान करता है। इसलिए मोदी जी को सुनना चाहिए, एक बात तो लेने लायक है कि इस तरह का मनोबल भी है तो कार्यों से लोग परेशान भी रहते हैं। यात्रा है, कतारें हैं, तो जानबूझ के भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग बावले हो रहे हैं। तो खैर, बाबा विश्वनाथ अपना दर्शन तो दे देंगे। आइए, एरिया की बात है, ये सावन की बात होगी तो पक्का ही दर्शन। कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो सुबह से यात्रियों की रक्षा सुरक्षा और लगातार इनको देखभाल कर रहे हैं। तो सर, एक बात बताइए आप, सुबह से आप जब कार्य हैं तो किन तरह की परेशानियाँ आती हैं? बताइए, कई लोग आते हैं, कई लोग शिकायत भी करते होंगे, तो कैसा होता होगा जब लोगों को मनाने के बीच में एक बात आती होगी, आप लोगों को सुबह से जिम्मेदारी का भाव दिया हो जाता है? सभी दर्शनार्थी से बताइए, 2 सावन बीत चुका है, 3रा सावन का दिन है, 3रा सप्ताह है, तो 2 सावन के सप्ताह में आज के सप्ताह में कभी ऐसा अनुभव क्या रहा है आप लोगों के बीच में, कोई गड़बड़ियाँ या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आज कल व्यक्ति यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, भले वो विश्वनाथ जी का दर्शन पिछले 3 सप्ताहों में ना कर पाया हो, पर वाकई कोई मनोबल टूटने की नाम नहीं ले रही। बताइए, जो अभी दवाइयों का शिविर लगा हुआ है यहाँ पे, ये दवाइयाँ कैसे मिलती हैं और कितने लोगों को मिलती है? ये लगभग 20 इसलिए 20वां वर्ष है, ये 20वां वर्ष है हम लोग यहाँ पर चाय बिस्कुट पानी और दवा फल वगैरह जैसा समय आता है।
तीन चीज की दवाइयाँ यहाँ सबसे जल्दी मुश्किल होती है, और तीन चीज की जो दवाइयाँ जो होती हैं वो यहाँ पे लोगों को जरूरत होती है। जरूरत किस चीज़ की दवाई की? यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोगों को दर्द किस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मोहित वर्मा थे और मैं रोशन कुमार। अगर आप फेसबुक पे देखें तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।